रामपुर में देर रात पकड़ी शराब ले जा रही दो पिकअप। विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर लगाए आरोप, पुलिस से नाकाबंदी की मांग। मंडी संसदीय क्षेत्र रामपुर में देर रात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शराब से भरी गाड़ियां पकड़ी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर शराब बांटने के आरोप लगाए हैं और शिमला पुलिस ने 3 दिन तक नाकाबंदी करने की मांग की है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि रामपुर के नरनखड़ी में भाजपा के लोग गाड़ियों में शराब ले जा रहे थे और इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद रात 3 बजे दो पिकअप को पकड़ा गया, जिसमें भाजपा के रामपुर के महामंत्री और उप प्रधान द्वारा 40 पेटी अंग्रेजी और देसी शराब ले जाई जा रही थी। पुलिस द्वारा मामला दर्ज करवा दिया गया है। इस तरह की ओछी राजनीति समाज में लोगों को शोभा नहीं देती। हमें इस तरीके की राजनीति से परहेज रखना चाहिए। उन्होंने शिमला एमपी को अगले 3 दिन पूरे क्षेत्र में नाके लगाने को कहा है। पकड़ियो, 204 नंबर कहाँ जा रही भाई? करावली जा रही है जी, रामपुर से आ गए। देखो नंबर 294 नंबर गाड़ी, 294 नंबर गाड़ी, चाबी चाबी। ये देखिए यहाँ पे क्या राम सरकार, क्या देखो सारों की शराब ओपन जा रही है। ये देखो शराब ओपन जा रही है, ये हो रहा है इलेक्शन, ये है ये है किस मुंह से जा रही है, फोटो ले फोटो ले, किसके उसमें जा रही है पेटियां खोल के देखो, शराब की पेटियां, शराब की पेटियां है। ये देखिए वंशु भाई ये देखो, ये शराब की पेटियां हैं, ये शराब की पेटियां भाई, ये कैसे जा रही है? इलेक्शन टाइम चला है, पूरी गाड़ी में हाल है, ये पूरी पूरी की पूरी गाड़ी ये इतने बौखला चुके हैं साहिबा के। ओके, हर गाड़ी में शराब है, ये देखो पूरी गाड़ी, कम से कम 4 गाड़ियां यहां से निकल चुकी है। हर गाड़ी में पुलिस को बुलाओ, हर व्यक्ति में शराब है जी, बुलाओ बुलाओ से, पुलिस को बुला दिया, इन्फॉर्म कर दिया जी। ये देखो हर पेटी शराब की है, ये देखिए ये हाल है, गिर चुकी है कि शराब की पूरी खेप जा रही है। ये कहां जा रही है गाड़ी? इलेक्शन कमीशन कहां सोया हुआ है, क्या कर रहा है? आप कोई भी पेटी खुला के देख लो, 294 नंबर हर पेटी में।